मुर्दों को मुर्दों के पास छोड़ दीजिए, किसी ने बहुत पहले ऐसा कहा था। ऐसे किस्से हुए हैं कि कोई मर गया पर उनकी चीजें यहां वहां हिलती रहती थीं अपने आप। व्यक्ति के मरने के बाद पहले कुछ दिनों में, जब तक कि आप एक खास काबिलियत को अच्छे से स्थापित ना कर लें, आपको उस दिशा में नहीं देखना चाहिए। आपको ये करना चाहिए, आप मुर्दों से संबंध रखना छोड़ दीजिए। एक बात जो आपको समझनी चाहिए कि कोई आपकी दादी है, आपकी मां, आपके पिता या वो जो भी हो, वो आपके लिए जो भी रहे हों, आपके लिए जितने भी प्रिय रहे हों, आपके जितने भी नजदीकी या अपने रहे हों, जैसे ही वो अपना शरीर, मन, बुद्धि और भावना की सामान्य समझ छोड़ देते हैं, तो आपका और उनका लेना देना खत्म। उन्होंने वो सभी चीजें यहीं छोड़ दी हैं, है ना? हाँ, वो सभी चीजें उन्होंने यहीं छोड़ दी। जो भी चीजें आप उनके बारे में जानते थे वो खत्म हो गई। कोई और चीज अब भी जारी है, लेकिन आपका उस चीज से कभी संबंध नहीं था। आपका संबंध अन्य पहलुओं से था। वो सभी पहलू तब खत्म हो गए जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो आपको किसी के मरने के बाद सिर्फ यही करना चाहिए कि आपने उनके साथ जो सुंदर पल बिताए हैं उन्हें बस मन से संजो कर रखिए। अगर कुछ सुंदर था तो उसे संजो कर रखिए, वरना उन्हें बस भूल जाइए। अपना कसूर और समस्याएं मुर्दों के जरिए सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। ये चीज बहुत ही जटिल बन सकती है, ये बहुत ही ज्यादा जटिल बन सकती है। मुर्दों को मुर्दों के पास छोड़ दीजिए। आप जानते हैं, किसी ने बहुत पहले ऐसा कहा था। आपको मुर्दों को मुर्दों के पास छोड़ देना चाहिए। आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि आप में एक स्तर की महारत ना हो। आपको उस दिशा में देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जीवन में पूरी तरह से फंस जाएंगे कुछ नासमझी करने की कोशिश में। देखिए, हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हों जिससे लोग कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। उसका कोई मतलब ही नहीं है। जिसके पास शरीर नहीं है, उसका भोजन, कपड़े या किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, है ना? हाँ, जब आपके पास शरीर हो तभी आपको भोजन या कपड़ों की जरूरत होती है। जब आपने शरीर खो दिया तो भोजन और कपड़ों से आपका क्या लेना देना? जब बहुत भावनाएं घुल मिल जाती हैं तो आपके अंदर और बाहर बहुत सी चीजें होंगी। आप वहां जा रहे हैं, वहां जो भी काम करना है कीजिए, अपनी साधना कीजिए, उस इंसान के साथ रहिए जो अभी जीवित है। मुर्दों के साथ रहने की कोशिश छोड़ दीजिए। बस अपने दादा के साथ रहिए जो अब भी जीवित हैं। उनके लिए कुछ बेहतरीन कीजिए, क्योंकि वो भी मर जाएंगे। मैं ऐसी इच्छा नहीं कर रहा, पर वो भी मर जाएंगे, है ना? तो जब आप उनके साथ कुछ समय के लिए हैं तो कुछ बेहतरीन कीजिए। देखिए कि आपके और उनके जीवन में कैसे कोई सुंदर चीजें हों उन कुछ पलों में जब आप वहां हैं। अपनी दादी के साथ काल्पनिक चीजें मत कीजिए। आपकी दादी का लेना देना खत्म हो गया है। उन्हें वापस आकर अपनी अलमारी में देखने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि जो कपड़े लोग पहन चुके हैं उनमें उनका कुछ अंश बाकी होता है। देखिए, इन सभी चीजों का भारत में ध्यान रखा जाता था। लोग इन चीजों को आम प्रक्रिया मानते थे, आत्मज्ञानी नहीं, साधारण लोग। ये संस्कृति का इतना गहरा हिस्सा था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो जो भी कपड़े उस व्यक्ति के शरीर के संपर्क में थे और जो उसके शरीर से बहुत ज्यादा संपर्क में थे, उन्हें जला दिया जाता था।
कभी रखा नहीं जाता था। वो कपड़े जो वो व्यक्ति कभी कभी पहनता था, वे सिर्फ खून के रिश्ते से जुड़े लोगों को दिए जाते थे और किसी को नहीं, बेटी को, पोते को, बेटे को या ऐसे किसी व्यक्ति को। और वो कपड़े भी आपको पहले एक साल नहीं पहनने चाहिए, मृत्यु की पहली बरसी तक, जब तक उनकी बरसी ना हो जाए आपको वो कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इन नियमों की वजह ये है कि जब हम यहाँ होते हैं तब जिस भी चीज़ के संपर्क में आते हैं उसमें हमारी कुछ ऊर्जा जुड़ जाती है। अगर आप इन्हें एक अवसर दें तो ये कपड़े ही अजीब चीज़ें करने लगेंगे। आपकी दादी को आने की ज़रूरत नहीं है, ये कपड़े खुद अजीब चीज़ें करने लगेंगे, क्योंकि स्थिर विद्युत नाम की एक चीज़ होती है। आप अपनी कार के दरवाजे को हाथ लगाते हैं और झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है? कार बिजली नहीं बना रही है ना, तो ऐसा क्यों होता है? बस किसी चीज के संपर्क में आने से ये थोड़ी चार्ज हो जाती है। इसी तरह से जो भी चीज आपके शरीर से गहरा संपर्क बनाती है उसमें आपका थोड़ा सा गुण आ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि काला जादू कैसे होता है? कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो सबसे पहले वो ये करेंगे, वो आपकी अंडरवेयर या बाल चुरा लेंगे। अगर वो शरीर का हिस्सा पा सकें, अगर आपके बाल या नाखून पा सकें तो ये बहुत अच्छा है, वो आपका शरीर का हिस्सा है। अगर वो नहीं पा सकते तो सबसे पहले वो ऐसा कपड़ा खोजेंगे जो आपके शरीर के संपर्क में हो। सबसे पहले आपके अंडरवेयर गुम हो जाएंगे। वाकई में भारत में लोग बहुत ध्यान रखते हैं, वो हमेशा ये सुनिश्चित करते हैं कि अंडरवेयर कभी बाहर न रखे जाएं, क्योंकि अगर एक अंडरवेयर गायब हो जाए तो वो बड़ी छानबीन करेंगे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी कोई दुश्मनी हो वो उसे ले जाए। विशेष रूप से मैले कपड़ों को भारतीय घरों में बहुत ध्यान से संभाला जाता है। इन दिनों ये बदल रहा है क्योंकि हम उन्हें बस किसी धोबी को दे देते हैं जो उन्हें ले जाता है, वरना पारंपरिक रूप से इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। उन्हें एक बंद टोकरी में रखा जाता है और घर पर ही कोई उन्हें धोता है, उन्हें कभी बाहर नहीं ले जाया जाता, क्योंकि अगर वो शरीर का एक हिस्सा ले जा पाए तो वो अलग बात है, लेकिन बस कपड़ों से वो आपको कुछ कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक मात्रा में आपकी ऊर्जा मौजूद है। तो व्यक्ति के मरने के बाद भी ये सच है और वो थोड़ा चटक सकती है। अगर एक खास तरह की ऊर्जा सक्रिय है तो वो पहलू चटक सकता है। ऐसे किस्से हुए हैं, पता नहीं मुझे ये बताना चाहिए या नहीं। आपको भूत की कहानियों में मजा आता है? ऐसे किस्से हुए हैं कि कोई मर गया, जैसे कि वे बता रही हैं, और चीजें असल में यहां वहां हिलने लगी, खासकर वो चीजें जो उनके काफी करीब थीं, वो खुद ही यहां वहां हिलने डुलने लगती हैं। व्यक्ति के मरने के बाद पहले कुछ दिनों में वो व्यक्ति खुद आकर कुछ नहीं हिला रहा है। बात बस यही है कि जिस भी चीज से आपकी ऊर्जा जुड़ी हुई थी वहां से वो ऊर्जा जा रही है, वापस जाने की प्रक्रिया में थोड़ी सी हलचल होती है। देखिए, अगर आपकी कार का इंजन ऑन है और कार खड़ी है और फिर आप उसे बंद करते हैं तो इंजन रुकते समय कार में थोड़ी हलचल होती है, क्या आपने ये देखा है? इन दिनों कारें ऐसी बनाई जाती हैं कि आप ये ज्यादा नहीं देख पाते, लेकिन पुराने इंजनों को अगर आप देखें तो उन्हें बंद करने पर डिग 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 होता है। इंजन बंद हो रहा है, असल में हलचल कम होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता है तो थोड़ी हलचल होती है, उसी तरह से आपका इंजन बंद हो रहा है। अब हर जगह थोड़ी सी हलचल हो गई। उस हलचल को देख गलतफहमी हो जाती है कि भूत यहां वहां घूम रहे। नहीं, कोई भूत नहीं है,
बस ऊर्जा बाहर निकल रही है। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो। बहुत सी चीजों की कल्पना लोगों ने की है, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा होता है। तो इसके लिए, इन सभी चीजों से बचने के लिए, अगर कोई व्यक्ति आज मरता है तो 3 दिन बाद एक तरह की प्रक्रिया होती है, 11वें दिन अलग प्रक्रिया होती है, 13वें दिन अलग प्रक्रिया होती है और 40वें दिन एक अलग प्रक्रिया होती है। ये सभी चीजें ये सुनिश्चित करने के लिए कि उस व्यक्ति का कोई अंश बाकी ना रह जाए, ताकि मुर्दों को रवाना किया जा सके और जीवित लोग अपना जीवन जी सकें। अगर जीवित लोग मुर्दों से मिलने लगे तो वे कई तरीकों से अपना जीवन खो देंगे। ये भूतों वाली चीजें थोड़ी पहेली जैसी तो जगाती हैं, लेकिन ये आपका जीवन ले सकते हैं कई तरीकों से, बहुत से तरीकों से, ऐसे तरीकों से जो आप अभी समझ नहीं पाएंगे और ऐसे तरीकों से जिनका अच्छा होना जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह से आपका जीवन ले सकता है, आपका मुर्दों से जुड़ना। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ऊपर बैठा है और आपका जीवन छीनने की कोशिश कर रहा है, नहीं, बस मुर्दों से जुड़कर ऐसा हो सकता है। जब तक कि आप पर्याप्त रूप से स्थापित और एक विशेष क्षमता वाले व्यक्ति ना हो, आपको उस दिशा में नहीं देखना चाहिए। यह जरूरी नहीं है।